आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस गिवन ऑप्शंस में से किसकी वजह से हो सकता है, तो आइए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला में दिया एक्सेस टीएसएच। अब टीएसएच क्या होता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये एक पिट्यूटरी हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है और ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, वहाँ से जो थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है या इंक्रीज करता है। इसके बाद हमें कह रहे हैं एक्सेस ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसका मतलब ये कि हमें काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में, ट्रेस क्वांटिटी में हमारी डाइट में ये चाहिए होते हैं और जनरली इनके एक्सेस से कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि अगर हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, अगर नहीं मिलते हैं तो दिक्कत होती है इनकी डेफिशिएंसी से, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाए तो ये इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके बाद हमें कह रहा है एक्सेस थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारी थायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हमारे विंड पाइप के दोनों तरफ थायरॉयड ग्लैंड के लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये जिन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है उनको हम कहते हैं आयोडोथायरोनिन्स। इस ग्लैंड में प्रॉपर हॉर्मोन सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और थायरोक्सिन नाम हम देते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन नाम के एक हॉर्मोन को, और इनका मेनली रोल रहता है हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करने में, इसके अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में भी इन हॉर्मोन्स का रोल रहता है। और अगर थायरोक्सिन ज़्यादा हो जाता है, इसकी एक्सेस सिक्रीशन होने लगती है, तो इसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं और इससे जो डिजीज़ होती है उसको हम ग्रेव्स डिजीज़ का नाम देते हैं, जिसमें थायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट लॉस और फटीग हम देखते हैं ऐसे पेशेंट में। फिर कह रहे हैं एक्सेस सिक्रीशन ऑफ जीएच आफ्टर मैच्योरिटी। जीएच मतलब हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, इसी को हम सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं और ये भी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। इसका काम होता है एडोलेसेंट्स में बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना, इसीलिए एडोलेसेंट्स की बॉडी में, ग्रोइंग चिल्ड्रन की बॉडी में हमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा, लेकिन अगर अडल्ट में इसकी ज़्यादा सिक्रीशन होती है तो मैच्योरिटी के बाद अगर एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की हो रही है तो इससे एक कंडीशन होती है जिसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं और इसमें डिसफिगरमेंट हमें बॉडी में देखने को मिलेगी, स्पेशली फेस में, और ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और अगर इसको हम डिटेक्ट ना कर पाएँ तो इससे प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब तक फीचर्स में चेंजेस नहीं आते, अपेरेंटली हमें नहीं दिखता, तब तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है। तो एक्सटर्नल फीचर्स की हमने देखा कि डिसफिगरमेंट हो रही है या उनमें अनडिजायरेबल चेंजेस आ रहे हैं इस कंडीशन में, इसीलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन में कहा हुआ है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, तो ये हमें एक्रोमेगैली की कंडीशन में देखने को मिलेगा जो होती है हमारे एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से, अगर ये मैच्योरिटी के बाद में हो। तो अगर अपना करेक्ट आंसर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस इज ड्यू टू ऑप्शन डी, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर मैच्योरिटी या फिर इन अडल्टहुड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।